ऑल इन वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चनों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। देख सकते हैं कि 83 नंबर क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है कि ग्लोब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऐसा आप देख रहे हैं कि बोर्ड बी आंसर मान रही है, देशांतर रेखाएँ एक दूसरे को ध्रुव पर काटती है। तो चलिए मैं इसका प्रूफ दिखाती हूँ कि काटती है कि क्या करती है। मैं इसको दिखा देता हूँ। ये जो बुक आपके सामने है वो क्लास 6 का है, BTC बुक है। इसमें लिखा हुआ है, आप अंडरलाइन वाला लाइन देखिए कि ध्रुवों पर ये सभी रेखाएं मिल जाती हैं तथा एक बिंदु के समान हो जाती है। ये ऑब्जेक्शन में आप डाल सकते हैं, आप देख लें। फिर मैं अगला क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करूं, एक मिनट। आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका होगा मनह जोर रथ, जो मैं आपको यहाँ बुक में भी दिखा सकता हूँ कि आप देख रहे हैं कि मनोरथ में मनह जोर रथ होता है, लेकिन ऑप्शन में बोर्ड ने क्या किया है कि मनह प्लस की साइन छोड़ दी है और रथ लिखा है। तो यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए था, उन्होंने बोर्ड ने इसको छोड़ दिया है। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है, इतना सब्र इससे हुआ कैसे, इस वाक में जब्त का अर्थ है, मतलब जब्त का अर्थ कैसे है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो ऑप्शन बनता है कि इस पैसेज में है, ईदगाह वाले पैसेज में है कि इतना जब्त इससे हुआ कैसे, इस वाक में जब्त का अर्थ क्या है। इसमें दो आंसर बनता है, लेकिन आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं कि कौन सा आंसर बनता है। इसमें देख रहे हैं कि सब्र भी होता है, जब्त का मतलब सब्र भी होता है और धैर्य भी होता है, नियंत्रण भी होता है और लालच तो होगा नहीं। तो चलिए मैं इसके प्रूफ भी आपको दिखाता हूँ कि जब्त का मतलब क्या होता है। जब्त का मतलब यहाँ देख सकते हैं, पीला रंग से हाईलाइटेड किया हुआ है, जब्त का मतलब होता है दबा हुआ। अगला मैं आपको दिखाता हूँ जब्त का मीनिंग इन हिंदी। देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है बर्दाश्त, सहनशीलता, देख सकते हैं। तो ये है जब्त का मीनिंग। तो आप देख सकते हैं इतना जब्त कैसे हुआ, इस वाक्य में जब्त का अर्थ है, जब्त का अर्थ है बर्दाश्त, सहनशील। तो इसका आंसर इस प्रकार होता है। आप चाहें तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन का डेट आज बढ़ी है तो ऑब्जेक्शन करें।